हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मेरे हाथ में ये ग्लास देख रहे हैं आप, जूस का। ये जूस का ग्लास आपको मैक्सिमम बीमारियों से बचा के रख सकता है। इसमें इतनी ताकत है कि बीमारियां आपके पास भी नहीं आएंगी। और इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है आंवला। आंवले के गुण बहुत सारे होते हैं, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। इसको खाने का तरीका मैं शेयर कर चुकी हूँ, आज मैं इसका जूस आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आपको दो आंवले चाहिए, अगर बड़ा साइज़ है तो, छोटा साइज़ है तो तीन आंवले, और एक गाजर। दोनों चीज़ को हम अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद इनको काटना है। थोड़ा सा हमको नमक चाहिए, और अगर किसी को शुगर का प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें वो मीठा भी डाल सकते हैं, चाहे वो जैगरी डालें या चीनी डालें। अब गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है, और आंवले को भी काट लिया, उसकी बीज जो है वो निकाल दिए। क्योंकि हम ये जूस बना रहे हैं, जूसर में नहीं बना रहे हैं, हम इसको ब्लेंडर में ही बना लेंगे और बहुत अच्छा ये जूस बनता है। अगर आपके पास जूसर नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत आराम से आप इसे बना सकते हैं। इसीलिए हमको ये सब चीज़ें छोटी भी काटनी पड़ती हैं। अब इनको काटने के बाद हम इन्हें ब्लेंड करेंगे। एक गिलास हमको पानी चाहिए, नॉर्मल जो पीने का पानी होता है उससे हम इसे बनाएंगे। अब ये जो एक गिलास जूस है, ये क्या क्या काम करेगा, अगर आप इसके सारे फायदे देखते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। ये आपके आँखों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें विटामिन ए काफ़ी मात्रा में मिलता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन में ग्लो आता है। इसमें विटामिन सी है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में है, तो अगर आप फाइबर रिच कोई भी चीज़ खाते हैं तो आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। इस जूस को बनाने के लिए मैंने आधा गिलास पानी इसमें डाला है, और आधा गिलास पानी में इसको ब्लेंड करना है बहुत अच्छे से। दो मिनट तक इसको ब्लेंड करते रहेंगे और ये बिल्कुल बारीक पिस जाएगा। उसके बाद हम बचा हुआ पानी इसमें मिलाएंगे। तो मैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की आपके साथ बात कर रही थी। ये एक बहुत अच्छा ब्लड प्यूरीफायर भी बन सकता है, उसकी ब्लड प्यूरीफायर की तरह भी काम कर सकता है। और जब आपका ब्लड प्योर रहेगा, ब्लड में कोई फ्री रेडिकल्स नहीं होंगे, तो आपकी स्किन और बाल बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अब आधा जो बचा हुआ गिलास पानी का था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। फिर से इसे ब्लेंड करूँगी एक बार, और आपका जूस जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। तो ये जूस हम एज इट इज़ पी सकते हैं, इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें फाइबर काफ़ी मात्रा में है, और वो फाइबर अगर आपके आप पी लेते हैं तो गट हेल्थ के लिए, जैसा कि मैंने बताया, बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। दूसरा जूस मैंने बनाया है सिर्फ आंवला। इसमें वही है, अगर छोटे आंवले हैं तो तीन लेने हैं, बड़े हैं तो दो। उसको काट के बीज अलग करना है, काला नमक साथ में चाहिए। आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, और मीठा भी इसमें कुछ डाल सकते हैं, चाहे चीनी डालें या गुड़ डालें, डाल सकते हैं इसमें। इसको भी उसी तरीके से ब्लेंड करना है, और ब्लेंड करने के बाद आप बिना छाने पिए तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, इसमें फाइबर काफ़ी मात्रा में है, जो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप इसको बिना छाने नहीं पी सकते हैं, जैसे कई बच्चे नहीं पीते हैं बिना छाने, तो उनको छान के भी दे सकते हैं। इसके कोई भी विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो लूज़ नहीं होंगे, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और इस जूस में जो आप बनाएंगे उसमें डिज़ोल्व होके उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ फाइबर नहीं मिलेगा। तो आप इसको अगर कोई बिना छाने नहीं पीता है तो उसे छान के भी दे सकते हैं, पूरा फ़ायदा इससे मिलेगा। अब ये एक और इसकी ख़ास बात यह है कि रेगुलरली अगर इस जूस को लिया जाए, चाहे गाजर वाला आप लेते हैं, चाहे सिर्फ आंवले का आप लेते हैं, तो ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब आप ये देखिए कि जो चीज़ हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छी है, जो चीज़ ब्लड को प्यूरीफाई करती है, जो चीज़ हमारे शुगर को कंट्रोल में रखती है, लिपिड को कंट्रोल में रखती है, तो अगर ये सारी चीज़ें हमारी ठीक रहती हैं तो हेल्थ तो अपने आप ही ठीक रहेगी। और जब हेल्थ ठीक रहेगी, वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो फिर आपको तो सब अच्छा ही अच्छा लगेगा। और इससे सस्ता कोई भी नहीं चीज़ हो सकती है अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। सीजनल है ये, आंवला सीजन में मिलता है, गाजर का सीजन भी अभी चल रहा है, आंवला का भी सीजन चल रहा है, तो इस सीज़न में अगर डेली ये जूस पिया जाता है, आप एक गिलास तो ज़रूर पिए,
और हो सके तो दो गिलास भी पी सकते हैं, एक आंवला का बनाएं और एक गाजर का बनाएं, अदरवाइज अल्टरनेट डेज पर पिएं, किसी भी तरीके से पिएं, लेकिन इसको एक गिलास तो डेली पिएं। 2 से 3 आंवला अगर आप रोज पी लेते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, डाइजेशन के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होगा और आपकी हेल्थ को कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा बना देगा। इससे ब्लड भी इम्प्रूव होता है, HB भी इम्प्रूव होता है इससे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरे ये दोनों जूस बनके तैयार हो गए हैं, गाजर एंड आंवला, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है क्योंकि इसमें गाजर है, इसमें विटामिन ए काफी मात्रा में आपको मिलेगा, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी मिलेगा जो आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। आंवला का जूस सब जानते हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्दी होता है और ये सिर्फ आंख और एक आध चीज के लिए नहीं, आप तो कह सकते हैं कि अगर आप सर्दियों में डेली एक दिन ये और एक दिन ये पिए तो आप सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं क्योंकि ये इतने ज्यादा हेल्दी है, इतने ज्यादा न्यूट्रिशियस है, आपकी बॉडी को की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, जो फ्री रेडिकल से उनको बाहर करेंगे और आपको बीमारियों से बचाएंगे। तो कितना सस्ता और कितना आसान तरीका है, ये पीने में भी टेस्टी है, तो आप इसे बनाएं, पिए, अपने आप को हेल्दी रखें, मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।